सरकार की आमद से पहले वीराना ही वीराना था। कहते हैं जिसे हम लोग खुदा कहते हैं, जिसे हम लोग खुदा पोशीदा एक खजाना था। सरकार की आमद जन्नत को सजाया खालिक ने, दोजख को बुझाया मालिक ने, दोजख को बुझाया मालिक ने, हर चीज सजा दी मौला ने। जिस रात हुजूर ने आना था हर चीज सजा दी मौला ने। जिस रात हुजूर ने आना था सरकार की आमद, और महबूब खुदा का दीवाना जन्नत में ये कहता फिरता था। जन्नत में ये कहता फिरता था, मैं कैसे यहाँ पर पहुंच गया, मैंने तो मदीने जाना। जनाब असने इस यूनिक कौंसल ने सियासी समाजी शख्सियत नदीम सीरत साहब जेरे किस तारफ में मुताज नहीं, इन्होंने क्या जनाब अज बंदे शामिल हो रहे हैं। माइक्रा लॉन करी रहे जनाब चौधरी जाबर हुसैन बवा रैली, चौधरी साबर हुसैन, चौधरी बहादुर अली आसी, चौधरी वसीम सीरत, चौधरी मोहम्मद ताज डांगरी बाला, चौधरी रजाक डांगरी बाला, चौधरी उस्मान दिलावर, चौधरी काशफ, चौधरी उमर फारूक, चौधरी तहसीम सीरत, चौधरी अरसलान शानी, मौलवी यासर अली, चौधरी सकलैन बहादुर, चौधरी आरस अली, उस्ताद मोहम्मद यासीन, अच्छा उसके बाद जनाब चौधरी रहील दिलावर, चौधरी जैन दिलावर, चौधरी दानश जाबर, चौधरी अली हैदर, चौधरी आबद हुसैन, चौधरी दानियाल आबद और दीगर जनाब अली आज पीटीआई ने जो उम्मीदवार उन्होंने हिमाचत लान करी है। इस तो बाद मैं जनाब दावत देसा असने उम्मीदवार जनाब कौंसलर ने बहुत बटाले। सबसे पहले मैं नदीम सीरत साहब ना और उन्होंने पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करना, चाचा अली बहादुर होना भी और चाचा ताज मोहम्मद भी और जितने भी उन्होंने फैमिली मेंबर मैं फर्दर फर्दर सारे नाम ना करी सकता, काफ़ी तादाद ने उन्हें सारा हमायत का नाम किया वै, मैं सब ने शुक्रिया अदा करना वा कि जिन्हें सारे पर इतमाद किया वै,
इंशाल्लाह असा भी उन्हें मजबूत ना कर ले उन्होंने जिसमें भी उन्हें सारी फेती असा भी उन्होंने इस तरह साथ दिता जिस तरह अभी उन्होंने सारा साथ दिता है। तो इस बावजूद मैं जितनी भी टीम है फैजपुर शरीफ जिले में मैं ना जरूर कहना चाहता चाचा लाला मुंदरी साहब ना नसकीर ना और भाई मौजूद साहब ना और जितनी भी सारी टीम है अरशद अरशद साहब ना अंसर साहब ना और जितनी भी सारी टीम है शामली टीम एक अच्छी टीम है सब तो मैं कुछ किसी इंसान हाँ कि मारे को सब तो चंगी टीम जी फैजपुर शरीफ त्रै वार्ड नंबर त्रै नहीं है सब तो तगड़ी टीम मेरे को इस वक्त ठीक है इतने इतने बड़े नाम मेरे को मैं उन्होंने नाम किन्या सोचना पड़ा कि इतने तेरे बड़े नाम तेरे मारे हमायत करी दे मैं इस वजह तो खुश की मेरे सहन इन शाला तुम अगर मायूस नहीं होना उन्होंने देना पैसे तो अगर मारे बड़े नाल इन शाला असा भी तुम इस तरह साथ दिता जिस सारा साथ दिता है नदीम सीर साहब मैं तुम्हें बहुत शुक्रिया अदा करना तुम दोस्ती ने भी लज पा ली है मैं तुम्हें दोबारा शुक्रिया अदा करना उसके बाद लाला मुंदरी साहब चौधरी रजाक साहब चौधरी ताज साहब ना मैं शुक्रिया अदा करना जनाब बड़ी मेहरबानी जनाब तो जितना साढ़े गुरु हो सकता जनाब इंशाल्लाह ये साढ़े बुजुर्ग भाई ने साढ़े नदीम साहब छोटे भाई इन्होंने साढ़े ने हिमायत ना लान किया जनाब तो असा भी इन्होंने पूरा धामन कर बाकी जितने दीगर मेहमान बैठे अभी इस मीटिंग का मकसद तो बहुबी को सारे दोस्तों की पता है तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई रही है कि यह काफिला तरीके इंसाफ का दिन ब दिन बड़ा होना चाह रहा इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद है इस उम्मीद में थोड़े लोगों की रिक्वेस्ट भी कर सा कि भरपूर साथ दो हिमायत करो इंशाल्लाह ताला अजीत सिंह साहब की सताई तारीख कामयाब करा सा बाकी जनाब जो अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों बुजुर्गों बड़ा सलाम है उसके बाद खुशी तौर पर लाला मुंदरी साहब नदीम सिरत साहब इन्होंने दोस्त अखबार और जितने इन्होंने फैमिली मैंबर तहरीक इंसाफ भी शामिल हुए उन्होंने सारे मुबारकबाद उन्हें खुशामदीद करता असा वास्तव यकीन है बहुत खुशी ना दिन भी है मुकाम भी है कि असा ने इन्हें हमायत ने ऐलान किया असा वास्तव और भी आसानियाँ पैदा कर सन सब तो पहले मैं जनाब अपने छोटे भाई नदीम सीरत और इन्होंने सारी फैमिली ना शुक्रिया अदा करना कि जिन्हें साड़ी हमायत ना ऐलान किया बाकी भाई अलादिता और मैं खास कर धन्यवाद दिता क्योंकि एक कंपेन वास्ते मैं इन्होंने भी शुक्रिया अदा करना मैं इन्होंने भी शुक्रिया अदा करना और वेलकम करना बाकी तुम सारे दोस्तों अगर माड़ी अर्ज है कि माड़े वास्ते थोड़ी जी और मेहनत करनी है जितना जितना जिस बंदे ने जितनी जितनी ताकत है उतनी माड़े वास्ते कोई थोड़ी मेहनत करनी है इंशाल्लाह तुसा जिस तरह साढ़े काफले शामिल होते हैं असं की मजबूत कर लगे ना इंशाल्लाह असं भी यूनियन कौंसल भी तुसा की नामीद ना कर लगे इंशाल्लाह तुसा ने इतमाद पर अच्छे तरीके और तुसा की इंशाल्लाह साढ़े को शिकायत नहीं होगी बाकी टीमों की 40-50 साल तो अजमान लगे हुए एक बार असर की अजमाई भी देखो इंशाल्लाह तुमने इतमाद अच्छे तरीके तो पहले तो सारे साथी जो आए सारे खुशामदीद आए हैं शुक्रिया अदा करने हैं उस तो बाद जनाब बिलखसूस मेरे फैमिली मैंबरान मेरे मामू जाबर साहब स्पैशली खड़ी शरीफ को आए क्योंकि इन्होंने वोट वगैरह जड़े ने ढंग ही चीज सन मामू दिलावर मरहूम उन्होंने साहबजादे दीने तो आए मारे सब तो बड़े मामू साबर साहब आए बैठे हैं चार पाँच दिन पहले इन्होंने अखी ने ऑपरेशन भी है उसने बावजूद अज मीटिंग आई कि शामिल अली बहादुर आसी साहब मेरे मामू मेरे बड़े भाई भी हैं वसीम सीरत साहब बैठे हैं तासीम बैठे हैं कजन बैठे हैं और मेरे बड़े भाई जनाब चौधरी ताज साहब चौधरी रजाक साहब बैठे हैं और बाकी जितने संगी साथी जनाब अज बिलखसूस माड़े नाल होइक है माड़े पर अज अतीक साहब पर चौधरी साजिद साहब पर तुसां इतमाद ना इजहार किया तुसाने बड़ी मेहरबानी तो बड़ा शुक्रिया और उस तो बाद जनाब दो त्रै मुख्तसर जी गल कर सा उस तो बाद जनाब बजाबता तौर पर शामिल हो सा पहली गल ये है कि अजी अतीक साहब की डिस्ट्रिक्ट काउंसलर वास्ते जिसल उम्मीदवार आंदा ने तो मी जाती तौर पर बड़ी खुशी हुई है और खुशी इस चीज़ नहीं सी एक तो अजी अतीक साहब उम्र ने उस सेज चन के बुढ़िया नाल भी रली जाने तो असा जवानों नाल भी रली जाने समझी गए तो उस लिहाज नाल ये ऑलराउंडर हैं और दूसरा यह सब तो बड़ी इन्होंने माशाल्लाह खूबी है कि पंज टाइम नमाज ने पाबंद है और जो बंदा नमाज ने पाबंद होना उसने अंदर खुदा खौफी भी होनी है और अल्लाह ने हुक्म ना लगे जितसन तो साड़ी उम्मीदों पर जरूर पूरे उतरसन
उस तो बाद जनाब जो बंदे बिलखसूस हाजी अतीक साहब वास्ते कंपेन करी रहे हो कुछ तू लुकी छुपी कौनी साढ़े सारे ने लाला जनाब चौधरी आजम साहब मेरे चाचा जनाब चौधरी अल्लाह दिता साहब स्पेशली जनाब इंग्लैंड तू आए ना हाजी अतीक साहब ने कंपेन करने वास्ते चेयरमैन जफर साहब और फैजपुर शरीफ में बड़ी प्यारी शख्सियत जनाब चौधरी साजिद साहब और बाकी जितनी भी टीम जनाब तुम कम करी रहे हो माशाल्लाह वर्क करी रहे हो इंशाल्लाह उम्मीद रखने हैं कि 27 नवंबर की हाजी अतीक साहब ने कामयाबी ना दिन उसी और ये चीज़ ऐसी कि साढ़े जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर ने वोट हैं वो तो इगे साढ़े हाजी अतीक वास्ते अज ओपन ये ऐलान करने लगे हुए कि चौधरी साजिद साहब और हाजी अतीक साहब ने जितने भी तुसाने कैंडीडेट हैं जिस जिस वार्ड ने अंदर क्योंकि सारिया वार्डा साढ़े वोट मौजूद हैं वो सारे तुसाने जितने भी कैंडीडेट उन्होंने सारे की सपोर्ट कर ये नहीं होने का कि इस वार्ड चू इस पार्टी ने की दियो तो उस वार्ड चू उसकी दियो ये रली मिली ले कम नहीं होना वाजिया तौर पर तुसाने जितने भी हाजी साहब कैंडीडेट हैं अस इंशाल्लाह फुली सपोर्ट कर सौ ठीक है। बाकी जनाब जितने संगी साथी और शामिल होए ना जेडे मौके पर मौजूद हैं मैं रिक्वेस्ट कर सा फरीद साहब की के उन्हें की वारियों बाहर हाजी साहब उन्होंने को माला पवाई के शमूलियत इख्तियार कराएंगे चौधरी आजम साहब यूनियन काउंसल ढांगरी ना एक बड़ा प्यारा जहा नाम है और किसी तारफ ने मोहताज नहीं और इन्होंने असं की ज्वाइन करने नाल ए है कि साड़ा एक हौसले भी बुलंद हो गए और एक बड़ा सीनियर बंदा साढ़े नाल है जिसने पिछे असं टुरने सोने लगने हैं। दूई चीज़ एक और वाजा करी होना क्योंकि मेरा सियासी तौर पर तलक अजीम बाग साहब नाल है जिड़ी अपना तुसा ने चौधरी साजिद साहब हाजी अतीक साहब तुसा ने जो कैंडीडेट हैं बलदियाती इंतखाबात साड़ी तुसा ने हमायत ना ऐलान ये वाजिया थोड़ी करी ठीक है जी। बाकी संगी साथी जो आए भी हमारे फैमिली मेंबर इसलिए मौजूद हो लाला ठीक है लाला तुसा दो मिनट आपने चलो मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सल्लु अला आलिही जनाब दस दर देनी तो भी कोई ऐसी गल नहीं सी बड़ी तुसा मेहरबानी है मैं राजा कि मैं जी टीम है तो सू सारी पूरी टीम नाम कि जितनी भी बड़ी टीम है ऑर्गेनाइजर टीम मैं इसकी दरखास्त कर सर जिस तरह का नाम है सारी है वर्क जारी बाकायदा तौर पर करो और इतफाक और अताद नाल और मजबूती नाल अपनी ईमानदारी नाल छोकरी पुलिसी ना इख्तियार कर रब ना राय क्योंकि मैं एक रुबाई प्रोफेसर हकीम साहब ने पढ़ी सी तो मैं बहस रखी है जिते हक होना उत शक नहीं होना जिते शक होना उत हक नहीं होना यह लफ्ज़ याद रखे अतीक साहब जी और बाकी भी जी कैंडीडेट खड़े हुए हैं अल्लाह उन्होंने कामयाबी देसी पंचन पाक ने सकते हैं मेरी पूरी सपोर्ट है अगर माली जानी वोटा ने मैं हर दिन जिस मंजिल पर चढ़े हुए उसकी कामयाबी दे अपनी सीट कैंसिल की बता